लोगों को सोचना चाहिए। बाकी किसी से अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन नहीं हुए तो अभी भी मुझे बाहर बता देना कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, मैं कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। नहीं नहीं जितने भी हैं 2, 5, 10 कुछ भी सॉल्यूशन निकालेंगे। एक आप दोनों, ये तो हर दिया तो दोनों तरफ है, नहीं आता उनमें भी है और मुझे कुछ आता है उसमें भी है। हाँ भाई कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला एक तो नोट कर लो और एक वो जो मैंने बोला मीन का फॉर्मूला वो करेक्ट कर लो उसको, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। मैं यही पूछ रहा हूँ लिखवाया या नहीं लिखवाया, हालांकि आपके बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है ना, नहीं है तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, एग्जाम में तो आ ही सकता है। होगा वहां तो N1 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन है G1, N2 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन है G2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 एक ग्रुप उनका ज्योमेट्रिक मीन है G1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 उनका ज्योमेट्रिक मीन है G2, इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद N1 प्लस N2 हो जाएगा, उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन होगा G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 होल पावर 1/N1 प्लस N2, G1 की पावर N1 G2 की पावर N2 होल पावर 1/N1 प्लस N2, इससे निकल जाएगा कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। जैसे आपको सपोज दे रखा है 3 ऑरेंजेस हैं जिनका ज्योमेट्रिक मीन है 6, 2 एप्पल है जिनका ज्योमेट्रिक मीन है 4, इनका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। थ्री ऑरेंजेस जिनका ज्योमेट्रिक मीन 6, 2 एप्पल जिनका ज्योमेट्रिक मीन 4, इनका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। फॉर्मूला हो गया G1 तो ये हो गया 6, N1 हो गया 3, G2 हो गया 4, N2 हो गया 2, फॉर्मूले में रख लिया 6^3, 4^2 अपॉन 1/N1 3, N2 2, तो 3+2 5। अब वो जो भी आ रहा है पावर 1/5 सॉल्व करना आता होगा आपको, देख लेना कितनी बार, पहले भी तो बताया था उस दिन, अच्छा नहीं बताया मैंने आप लोग की क्लास में, बता दिया था ना मैंने, वही लगानी है, वही लगानी है, 3 दिन पहले का वीडियो देख लेना। 6^3 हो गया 216, 4^2 हो गया 16, 216 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है, 1/5। ये N1 है, ये G1 है, ये N2 है, ये G2 है, कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दो, इससे आपका कंबाइंड मीन आ जाएगा कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ट्रिक ध्यान है ना आप लोगों को, अरे यार टाइम √12 टाइम −1 इंटू पी फॉर पावर +1 उसके बाद इंटू √12 टाइम, देख लो अब आपको वैल्यू पता है क्या, बताई थी मैंने 3 दिन पहले वाला वीडियो देख लेना, √(+1) और फिर √(+2)/12 बार।
5.108 n2 = 12 टाइम थ्री फोर फाइव सिक्स प्रिंट कर दिया, 3456 रूट करना है 12 टाइम, पहले 3456 लिखो, 3456 है ना, अंडर रूट दबाओ 12 टाइम, एक माइनस कर दो, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर कितनी है 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई यानी 5 का डिवाइड दे दो, डिवाइड 5, फिर प्लस 1 = 2 लगाओ, प्लस 1, अब इन टू इज़ इक्वल्स टू ये 12 बार 12 टाइम, ओके ध्यान रखूंगा अनमोल, 181, 183, 12 टाइम अंडर रूट इन टू इज़ इक्वल्स टू 12 टाइम, पावर 1/5 है ये, अकाउंट्स में पूछना, मैथ्स में काम नहीं आता हो, वो भी नहीं आता, 5 पॉइंट आएगा, अच्छा अब एक लास्ट में देखो, आपके नोट्स में ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला, लास्ट में नोट्स में फॉर्मूला मिल गया क्या, ये कौन सी सीरीज में, कंटिन्यूअस का फॉर्मूला नहीं है ये, एज्यूम मीन से निकलेगा लेकिन ये कंटिन्यूअस का फॉर्मूला नहीं है, ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये बुक में ही क्वेश्चन है आपके, इसके ऊपर dx का मतलब क्या होता है, कौन सा मीन, एज्यूम मीन से डेविएशन, एज्यूम मीन से डेविएशन कहलाता है x माइनस a, ये फॉर्मूला आप करेक्ट कर लेना, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने किस सीरीज में लिखा है, मेरे ख्याल से कंटिन्यूस में लिखा है, कंटिन्यूस में फॉर्मूला है मीन निकालने का लेकिन वो काम नहीं आता, वो ये वाला है, बट इसको काम में नहीं लेना, जिसको अपन स्टेप डेविएशन मेथड बोलते थे वो काम में नहीं लेना, ये काम में लेना है, 5 पॉइंट आ गए क्या आपका, तो फॉर्मूला सही कर लिया आप लोगों ने, अब आ जाओ एक 181, 183 क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन वालों ने, एज्यूम मीन ए मतलब होता है एज्यूम मीन, क्या नॉर्मली स्टेट्स के अंदर एक्स माइनस एक्स बार को डी बोलते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड वाली स्टेट्स पे जाओगे तो डी से डिनोट होगा, और अगर x में से एज्यूम मीन माइनस करते हो तो उसको dx बोलते हैं, जब आप 12 के बाद की स्टेट्स देखोगे, हाई लेवल की स्टेट्स में ढूंढोगे तो आपको ये मिलेगा डिफरेंस, अगर आप x में से x बार माइनस करते हो तो d, x में से एज्यूम मीन माइनस करते हो तो dx, बाकी कई इसको भी यही बता देते हैं, इसको भी वही बता देते हैं, इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि आप dx क्या कह रहे हो, dx का मतलब बेसिकली डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एनी नंबर, तो वो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन भी हो सकता है और डेविएशन फ्रॉम मीन भी हो सकता है, बाद में जाना है बात, चले आगे 181 और 183 क्वेश्चन पूछा है ऑनलाइन वालों ने किसी ने, आप लोगों ने कर लिए,
जा रहे हो आप, मैंने मना कर दिया फिर भी। अच्छा जाओ जाओ आप। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है और कुछ नहीं। वन सेवेंटी थ्री भी है, 177 भी है, 184 भी है। क्या आज आगे जाने नहीं देंगे? वन एटी वन। फॉर ए मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीन देन मॉड इज। मीडियन इज ट्वाइस द मीन। जो मीडियन है वो मीन की ट्वाइस है। बोलो भाई आप लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? आपको बताना है मॉड इज। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करते हो आप लोग, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं जो ज्यादातर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जो पहले है किसकी जगह पर क्या रखूं, फॉर्मूला तो लगा देंगे उसके बाद। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों का मुझे नहीं पता, मैंने एक फिक्स कंसेप्ट बना रखा है। आप अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम कर लो, उससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। मीडियन किसका ट्वाइस है? तो अगर मैं मीन को वन लेट कर लूं तो मीडियन कितना होगा? क्या टू हो जाएगा क्या? अब अगर मीडियन टू आ जाएगा तो अपने फॉर्मूले से मॉड निकल जाएगा क्या? बताओ फॉर्मूला क्या था? आप लोगों ने इसमें याद कर रखा, जरा पुट करो इसमें, मुझे बताओ मॉड कितना आ रहा है। एक्स बार की जगह वन रखो, मीडियन की जगह टू रखो। कैलकुलेशन थोड़ी ढंग से करना, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग गलत कर सकते हो। सबका टू आ रहा है। एक्स बार वन माइनस टू माइनस थ्री इजिकल्स टू एक्स बार वन माइनस जेड। फिर देख लो कितना आ रहा है। मैंने आपको बोला था कितनी कैलकुलेशन बढ़िया करते हो। देखो माइनस जेड इधर आएगा प्लस का, माइनस थ्री उधर आएगा प्लस का, जेड हो गया फोर। अब मीडियन है टू, मॉड है फोर, तो क्या मॉड मीडियन का ट्वाइस हुआ? तो ऑप्शन मिला लो कौन सा मैच हो रहा है। मॉड इज ट्वाइस ऑफ द मीडियन, हो गया ना। मॉड फोर है, मीडियन टू है, तो ये वाला मॉड मीडियन का ट्वाइस हो गया। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को नंबर लेट करके करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी इक्वेशन बनाकर तो हो ही जाएंगे। ये हो गया 173 की। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन ए मिलियन पर आइटम इन वेरियस ईयर गिवन है। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर? जरा ऊपर वाले कॉलम में ढूंढो, इंटरेस्ट वाला कौन सा कॉलम है, उसी का एवरेज निकालना है क्या? जरा क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट वाला कौन सा कॉलम है। इंटरेस्ट मिल गया क्या? उस इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल लगा लो, और कितनी टर्म है? पांच टर्म है, पांच का डिवाइड दे दो, उससे एवरेज निकल जाएगा। उस इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल लगा लो, टोटल टर्म फाइव है, फाइव का डिवाइड दे दोगे तो एवरेज निकल जाएगा 173 हो गया शायद 174। देयर आर एन नंबर्स, व्हेन 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज -10। पूरे स्टेट्स में मी के जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये और इसकी लैंग्वेज ही है। कितनों से हो गया ये? वन सेवेंटी फोर कितनों से हो गया?
बताओ जिससे हो गया हो, क्या किया कैसे किया। चलो फिर मैं बता देता हूँ। अरे वो तो पहले ही हो गया होगा ना, आज प्रॉब्लम लाए हो तो। नहीं कोई बात नहीं, रुकने से मतलब नहीं ना, टाइम बिगाड़ने से क्या मतलब है। देयर आर एन नंबर्स, देखो टोटल नंबर दे रखी है एन। लैंग्वेज पर ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। व्हेन 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज नंबर, जितने भी ऑब्जर्वेशन है अगर उन सब में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दें, जितने भी ऑब्जर्वेशन है अगर उन सब में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दें, 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, सो नंबर ऑब्टेन सम ऑफ द नंबर इज माइनस 10। तो 50 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितनी नंबर है उन सब का सम, सम मतलब समेशन आएगा माइनस 10। क्या पहली इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? सेकंड इंफॉर्मेशन, इफ व्हेन 46 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, सब में से 46 माइनस कर दें, जितनी भी नंबर है वो सब एक्स है, उनमें से सब में से 46 माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद सम कितना आएगा, 70। व्हाट इज द मीन ऑफ द ओरिजिनल ऑफ एन नंबर्स, आपको नंबर्स का मीन निकालना है। बोलो कोई और तरीका, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? ट्रायल से कैसे निकालोगे ये समझाओ। मीन तो है ही नहीं इसमें, रखोगे किसकी जगह पर? एक्स बार चाहिए अपने को, आज ही आते ही मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। एज्यूम मीन से मीन निकालने का, कुछ याद आया? अब आओ, इन सारे ऑब्जर्वेशन में से कितना माइनस किया, तो इसका मतलब 50 क्या है, एज्यूम मीन, वेरी गुड। इन सब नंबर का सम कितना आया, ये प्लस हटा दूं, मैं साथ ही नहीं तो सेट्स पढ़ा रहा हूं, माइनस 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये हो गया ऊपर वाले केस का मीन। नीचे वाले केस में भी ऐसे ही मीन निकल जाएगा, नीचे वाले केस में सब में से कितना माइनस किया, 46, तो 46 एज्यूम मीन। टोटल कितना आया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इससे भी मीन आ गया। अब ऊपर वाले डेटा से चाहे मीन निकालो, चाहे नीचे वाले ऑब्जर्वेशन से मीन निकालो, आएगा तो दोनों मीन इक्वल, मीन तो उस क्वेश्चन का एक्स बार तो दोनों का एक ही होगा। अब जरा बोलो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके एन की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस का 10 बाय एन इधर आया तो 70 बाय एन प्लस 10 बाय एन, 70 बाय एन प्लस 10 बाय एन, ये प्लस का 46 उधर गया तो 50 माइनस 46 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एन इज इक्वल टू 80, तो एन इज इक्वल टू, और अगर एन 20 आ गया तो एन की वैल्यू चाहे यहाँ 20 रख दो चाहे यहाँ 20 रख दो, मीट चल जाएगा, मैं रख दू 46 प्लस 70 अपॉन 20। अरे ऐसे तो आंसर ही दे रखे हैं बुक में, ये हो गया, नोट करना है आप लोगों को, आगे चलूं तो खुद चाहता था चालू करना। यश डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एज्यूम मीन, एक्स माइनस एज्यूम मीन, और एक्स में से अगर एक्स बार माइनस करोगे तो डी, अब 177 भी पूछा था क्या किसी ने, 177 तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
sum of deviation from arithmetic mean is always zero. Sum of deviation from arithmetic mean is always zero. हमेशा जीरो ही आता है, पहले भी आ चुका 177. अब चले आगे नए चैप्टर पर. थर्ड वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन. नाउ आप कंसंट्रेट कर लो, पुराना सब कुछ खत्म, अब कुछ नया पढ़ लेते हैं. मेजर ऑफ डिस्पर्जन, पहले समझाऊंगा इस चैप्टर का मतलब क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है. कर दो भलाई बंद 5-7 मिनट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. डिस्पर्जन का मतलब, चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी, इसको समझाने के लिए क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको डिस्पर्जन समझ में शायद आ जाए. तो सुनना चाहेंगे जो सुन लेंगे, जो नहीं सुनना चाहेंगे वो चुप रहेंगे. तो एग्जांपल ले लेता हूं, एक क्रिकेट प्लेयर है विराट कोहली और एक है रोहित शर्मा. विराट कोहली के लास्ट 5 इनिंग के जो स्कोर कार्ड हैं, रोहित शर्मा के जो लास्ट 5 इनिंग के स्कोर कार्ड हैं, कोई बात नहीं, मैं कौन सा नेपोटिज्म करूंगा. जरा विराट कोहली के 5 इनिंग का एवरेज स्कोर निकाल कर बताना भाई. एवरेज 40 है क्या इसका एवरेज स्कोर, बताओ रोहित शर्मा का. तो अगर मैं दोनों के केवल एवरेज ही बोल दूं तो ये पता नहीं चलता कि डेटा कहां से कहां तक फैले हुए हैं, इन्होंने स्कोर कितना ज्यादा और कितना कम बनाया. जबकि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा पूरा डेटा इतना बड़ा है, उसका मीन, वो एक सिंगल वैल्यू, उस पूरी डेटा का मीन, ये कभी नहीं बताता कि वो डेटा कहां से कहां तक डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है, स्प्रेड है. ये पता चलेगा इस चैप्टर में. उसमें अपन एक सेंट्रल वैल्यू निकालते थे, एक सिंगल वैल्यू निकालते थे जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर जाती थी, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मॉड हो, वो एक सिंगल वैल्यू उस पूरे डेटा को एसोसिएट करती थी, रिप्रेजेंट करती थी. दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा. अब अपन उस सेंट्रल वैल्यू के आसपास देखेंगे ये डेटा अपना कितना डेविएटेड है, कितना डिफरेंट कर रहा है. जैसे इस डेटा को देखकर अगर मैं बोलूं तो बताओ ये वाला डेटा ज्यादा फैला हुआ है या ये वाला डेटा ज्यादा फैला हुआ है. ये ज्यादा फैला हुआ है. अच्छा ये बताओ 40 के आसपास ज्यादा ऑब्जर्वेशन इसमें है या इसमें. अगर एवरेज 40 है तो 40 के आसपास ज्यादा वैल्यूज यहां होगी या यहां होगी. इसमें ज्यादा वैल्यूज होगी 40 के आसपास. तो जब मीडियन मीन के आसपास अगर बहुत सारे डेटा होंगे तो ये फैला हुआ कहां हुआ, ये तो संकुचित हुआ, ये तो फैला हुआ हो ही नहीं सकता. फैला हुआ तो ये डेटा होगा क्योंकि इसमें मीन है 40, 40 से एक वैल्यू जा रही है 0, दूसरी 0, 120, 70, बहुत डिफरेंस आ गया मीन से, 40 से बहुत सारा डिफरेंस है बहुत सारी वैल्यूज में. तो ये डेटा ज्यादा फैला हुआ है इसके कंपैरिजन में, ध्यान रखना ये सेंटर्ड है, ये डिस्पर्स्ड है. तो इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है, डिस्पर्स कितना है, डिस्पर्स का दूसरा वर्ड है स्कैटर्ड कितना है, तीसरा वर्ड है स्प्रेड कितना है.
आपका डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, यही अपने इस चैप्टर का मेन मोटिव है। और वो मीन के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, मीडियन के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, मॉड के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। मीन के कंपैरिजन में डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, मीडियन के रेस्पेक्ट में कितना है, मॉड के रेस्पेक्ट में कितना है, इस पूरे चैप्टर में यही मेजर करना है। चैप्टर के नेम का मतलब समझ में आ गया, पहले वो एक सेंट्रल वैल्यू थी, अब अपन इसका डिस्पर्जन देखेंगे, फैलाव देखेंगे, रेंज देखेंगे कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो पहले ये भी एक टाइप का एवरेज है, इसको सेकंड ऑर्डर का एवरेज कहते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा वो फर्स्ट ऑर्डर का एवरेज था, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर एवरेज। इसको सेकंड ऑर्डर का एवरेज कहते हैं, जिसमें अपने को पढ़ना है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। अभी मैं नोट दिखा दूंगा, वो भी बता देता हूँ। इस चैप्टर को अपन टू टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक है आपका एमडी मतलब मीन डेविएशन, एक है आपका एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक है आपका रेंज और एक है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। और सेकंड कैटेगरी कहलाती है इन सब के कोफिशिएंट, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इन वाली वैल्यूज को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर और इन वाली वैल्यू को बोलते हैं रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, अगर आज आपको मेरे रिलेटिव से मिलना हो तो सबसे पहले मुझसे मिलना पड़ेगा, अभी मैं मेरे रिलेटिव से मिलाऊंगा अगर आप लोग उस लायक हुए तो। इसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा रिलेटिव मेजर निकालने के लिए। हर रिलेटिव मेजर की वैल्यू एब्सोल्यूट मेजर के बिहाफ पर ही निकलेगी, इसलिए नॉर्मली रूल के अकॉर्डिंग ये है, इसकी कैलकुलेशन इजी होती है, इसकी कैलकुलेशन टफ होती है। इसका आंसर यूनिट में आएगा, इसका आंसर यूनिट फ्री होगा। क्या होता है यूनिट और यूनिट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डेटा दे रखे एज, सबकी एज दे रखी है ईयर्स में, तो जो इसका आंसर निकालोगे, जैसे आपका मीन डेविएशन आया 2, तो आपका आंसर होगा 2 ईयर, दैट इज द यूनिट। या आपके जो डेटा दे रखे हैं वो वेट में दे रखे हैं, सबके सब वेट है केजी में, तो इसका आंसर सपोज एस डी आया 1.5, तो आपका आंसर होगा नॉट 1.5, दिस इज 1.5 केजी। मीन मीडियन मॉड में भी यूनिट लगाना, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को परेशान होते हुए देखा है, आपने मीन निकाला, आपका आंसर आया 20, वहां ऑप्शन था 20, फिर था 20 केजी, फिर था 20 और फिर था नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना मीन मीडियन मॉड उनकी भी यूनिट होती है, जो डेटा जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में यूनिट लगेगी। इसी तरह मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, इनकी भी यूनिट होगी। अगर डेटा केजी में है तो इन चारों के साथ केजी लगाना है, अगर डेटा ग्राम में है तो इनके साथ ग्राम लगाना है। और रही बात कोफिशिएंट की, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर आपका कोफिशिएंट आया 0.25 तो इसके साथ केजी मत लगाना, 0.25 इज द आंसर विदाउट यूनिट। यूनिट लगाने और नहीं लगाने से इजी और टफ का क्या लेना देना, ये तब निकालोगे जब ये आ जाएगा, क्योंकि इसके सारे फॉर्मूले इससे बनेंगे। वो नहीं करना, इतना दिमाग नहीं लगवाना है स्टैटिस्टिक्स में, इतना नहीं सोचना, बस यूनिट याद रखनी है कि इसके सारे आंसर यूनिट में आएंगे और इसके सारे आंसर बिना यूनिट के आएंगे। HMGM भी यूनिट में आएंगे अनमोल, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी यूनिट में ही आएंगे। ठीक है, अब पहले मैं 2-3 लाइनें लिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लो जो जो बोर्ड पर जितना समझा है, फिर बात करेंगे फॉर्मूले की।
ये सब मैं बाद में वापस लिखा दूंगा, अभी आप, मैं पहले मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जो मतलब लिखा रहा हूँ वो लिख लो, पहले मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेडिंग डालो और उसका मतलब लिख लो। अरे पहले ही कर दूं, बोलो आप। इन दिस चैप्टर लिख लो, ज्यादा बढ़िया है, इन दिस टॉपिक लिख लो, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट द स्कैटरनेस, स्कैटरनेस SCATTERNESS, स्कैटरनेस और स्प्रेड ओवर और ऑफ डेटा ऑफ डेटा विद रेस्पेक्ट टू मीन मीडियन और मॉड, दिस मेजर्स आर नोन एज सेकेंड ऑर्डर एवरेज। शॉर्ट में इस चैप्टर का नेम लिख लेना MOD, फर्स्ट चैप्टर को शॉर्ट में बोलते हैं MOCT, M ये नहीं आ सकता, M for measure, O for off, D for dispersion, measure of dispersion. अब यहां पर चार्ट टाइप में बना लेना एब्सोल्यूट डेविएशन और यहां लिख देना रिलेटिव। इसके फोर पार्ट हैं, रेंज के बाद है आपका मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के बाद है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद लास्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज सबसे फर्स्ट, पहले एब्सोल्यूट, गलत लिख दिया मैंने वर्ड, एब्सोल्यूट और इन चारों के कोफिशिएंट, सबसे फर्स्ट है रेंज, सेकंड है मीन डेविएशन, थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ है क्वार्टाइल डेविएशन। साइन पता है क्या आपको इनके? रेंज को तो पता होगा, पहला लेटर क्या है? मीन डेविएशन में मीन का M, डेविएशन का D, स्टैंडर्ड डेविएशन को वैसे SD तो कहते ही है, बट इसका एक साइन और होता है जो काम में आता है, दैट इज आधा ने, हिंदी का तो क्या बोलते हैं, SD, और इसका साइन है ये वाला, आप सिगार समझ जाओ, हिंदी का आधा ने समझ जाओ, स्टैट्स का सिग्मा समझ जाओ, जो आपको सही लगे वो समझ लो। साइन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन को QD,
नहीं होता, होता तो जरूर बता देता ना मैं। अच्छा एक और चीज याद रखना, आप लोगों को शायद पता ही होगा, जो जो लाइफ में लोग लायक होते हैं वो आगे जाते हैं, और जो नालायक होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। नहीं पीछे रह जाते हैं मतलब भाई वापस वही एग्जाम देंगे या वापस वही पढ़ाई वापस करेंगे, चाहे लाइफ में और आगे निकल जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक बार तो पीछे रह जाते हैं सेम क्लास में। वैसे ही अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मीन मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उन सब में सबसे ज्यादा लायक है अरिथमेटिक मीन, जो आएगा इस चैप्टर में काम, जिसका मैंने क्या बोला था, हर बार अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन यूज में आएगा, बाकी सब तो फर्क नहीं पड़ता, भूल भी जाओ तो। दूसरी बात, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा लायक है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जाएगा अगले चैप्टर में अपने साथ, जब अपन आगे कोरिलेशन रिग्रेशन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर कोरिलेशन पढ़ने में, कोरिलेशन जो है कार्ल पियर्सन वाला वो लायक है, तो वो जाएगा रिग्रेशन में। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन वाला कोरिलेशन वो लायक है तो वो जाएगा आगे रिग्रेशन में। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, पढ़ा है कभी तो काम आएगा, तो ध्यान रखना जो लायक है वो आगे जाएंगे, बाकी पीछे छूटते जाएंगे। अब आप लोग अपने आप को बना लो कितने लायक कितने नालायक हो, बस तीन लाइनें और लिखाऊंगा, लाइनें और ऐसे मत करो बस। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में जो डिफरेंस है, छोटे मोटे दो तीन डिफरेंस वो लिख लो, एब्सोल्यूट मेजर में और रिलेटिव मेजर में डिफरेंस। इनके आंसर में यूनिट होती है, यानी ये यूनिट मेजर है, इसमें यूनिट आएगी, और ये वाले यूनिट फ्री हैं, इसकी यूनिट नहीं आएगी। इनमें यूनिट होगी, इनके आंसर में यूनिट नहीं होगी। सेकंड, इनकी कैलकुलेशन इजी है, इजी टू कंप्यूट, इनकी कैलकुलेशन इजी है, इजी टू कंप्यूट। सेकंड ऑर्डर एवरेज मतलब इनके सारे फॉर्मूलों में एन का डिवाइड लगेगा, तो एक तरह से इसमें भी एवरेज निकलेगा, वो बताऊंगा जब फॉर्मूले आएंगे। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, तो हार्ड टू कंप्यूट और टिपिकल टू कंप्यूट, जैसा आप लिखना चाहो। तीसरा स्टेप, इसका टेक्निकली कोई यूज नहीं है, इनका यूज आता है कंपैरिजन करने में, डेटा का, डेटा का कंपैरिजन करने में इसको यूज में लेते हैं। इसका यूज नहीं है, लेकिन इसके लिए यूज है। हाँ यूएसए, तीन ही बोले थे मैंने, तीन ही लिखा है। अब कल फॉर्मूले की बात करेंगे।